नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुर्भाग्य से हमारे शहरों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण हमारा पर्यावरण खतरनाक गति से बिगड़ रहा है। शुक्र है कई प्रकृति प्रेमी हैं जो हमारे खोए हुए पर्यावरण को वापस लाने और प्रकृति के संतुलन को बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। इनमें से एक हैं पंजाब के IRS अधिकारी रोहित मेहरा, जिन्होंने पर्यावरण को बढ़ाने के लिए देश भर में अब तक 100 जंगल बनाए हैं। बता दें, पंजाब में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रोहित मेहरा ने पर्यावरण को बढ़ाने के लिए देश भर में 100 जंगल बनाए हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मेहरा ने कहा, हम देसी पेड़ उगा रहे हैं। अब तक हमने लगभग 9 लाख पेड़ लगाए हैं और 2000 वर्ग फुट से 8 एकड़ के लगभग 100 जंगल बनाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पेड़ लगाना उनका प्रकृति के प्रति जुनून और सेवा है। अभी ऐसे हम 100 के आसपास जंगल लगा चुके हैं भारत के कई जगहों पर, जिसमें सूरत, बड़ौदा, लुधियाना, अमृतसर, जीरा, जगराओं, कैलकटा। तो हम डिफरेंट जगह पर वृक्ष आयुर्वेदा के बेसिस पर हम पेड़ लगाते हैं। कौन कौन से पौधे आप तक लगा चुके हैं? लगा चुके हैं आयुर्वेदिक के। देखिए, हमारे जो मेन पौधे होते हैं उसका जो मेन थीसिस है वो ये है कि जो भी पौधा लगेगा वो पौधा लोकल होना चाहिए। 500 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर वो पौधा, उसकी जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके अंदर वहाँ रहता होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पंचवटी है जो पूरे इंडिया में पाया जाता है, जिसमें नॉर्थ में बेलपत्री, साउथ में आंवला, साउथ ईस्ट में अशोका, वेस्ट में बरगद, ईस्ट में पीपल, फिर त्रिवेणी है हमारे गांवों में जिसमें बरगद, पीपल और नीम एक ही गड्ढे में लगाया जाता है, हरिशंकरी है, वैदिक वन है, नक्षत्र वन है, ऋषि वन है, राशि वन है। तो ये सारे पेड़ हम जो इंडिया के बेसिक नेटिव ट्रीज हैं वो हम लगा रहे हैं। हमने क्लोज टू 9 लाख के आसपास पेड़ लगा चुके हैं और 100 जंगल, जिसमें 2000 स्क्वायर फुट से लेकर 8 एकड़ तक के जंगल है। वहीं रोहित मेहरा का कहना है कि हमने जो पेड़ लगाए वो वृक्ष आयुर्वेद की प्राचीन अवधारणा पर आधारित है। हमने सूरत, वडोदरा, लुधियाना, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहरों में सूक्ष्म वन बनाए हैं। मेरे परिवार के साथ मेरी टीम के सदस्य ऐसे जंगल बनाने में मेरी मदद करते हैं। उन्होंने लोगों से हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आत्मनिर्भर वातावरण बनाने की भी अपील की है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।